देखो हमारी चाय की मंजिल थोड़ी दूर है यहाँ पे। सो हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल जिंदगी के कांड। तो आज हम जा रहे हैं शूट पे कहाँ, बांद्रा फॉर बांद्रा व्लॉग। तो बांद्रा के लिए मैंने एक टूरिस्ट गाइड हायर किया है, तो पहले उसको पिकअप करने का है, फिर वो हमें बांद्रा घुमाएगा। तो बने रहिए साथ में, बहुत मज़ा आने वाला है। फिलहाल मैं अभी काडा रोड पे हूँ, यहाँ पे मेरी टूरिस्ट गाइड आने वाली थी जो कि आ चुकी है। हाय गाइस, आ जल्दी। हाय गाइस, मम्मी व्लॉग चैनल। ये थी हमारी मेन टूरिस्ट गाइड। कूद बाजा को दूं मैं। हाय गाइस, तो आज हमें ये बांद्रा घुमाने वाली है। हाँ, और सारे सेलिब्रिटी से मिलाने वाली है। हाँ। है ना, तेरे सारे कॉन्टेक्ट अभी मिलाएगी ना सबसे। घर तो इधर ही है। तो ये काडा रोड है जो पूरा समुंदर के एकदम बाजू में ही है, इसलिए काडा रोड होगा मे बी। तो आज है संडे और 14 फेब, कहते हैं वैलेंटाइन डे। तो कपल ऐसे ही दिखेंगे बहुत सारे, क्योंकि फिलहाल अभी कम है। तो यहाँ से हमारा बांद्रा शुरू होता है, हमारा मतलब मेरा, तुम लोग का नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज बता दूं मैं, वो घर जूम नहीं होता ना, अभी तकलीफ है, बता दो। तो अभी हम लोग, ये पूरा व्यू है, चालू है। और ये देखो, ये यहाँ का पूरा व्यू है, और ये यहाँ का व्यू है, पूरी पानी का व्यू है। उधर देखो पूरा पानी का व्यू। कैसा है आनिया, कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ये पूरा लंबा और आगे है पूरा समुंदर, सब जो नाव वो देख रहे हो, सब मच्छी वाले मच्छी पकड़ दे और इसके पीछे जाके बेच देते, पूरा मच्छी मार्केट है। और इधर बैट ऑफ ऑनर सेलिब्रेटिंग सचिन तेंदुलकर ऐसा लिखा है, येरा। और ये सचिन सर का बैट जो कि ओरिजिनल नहीं है, एक उनके ऑनर के लिए बनाया गया, गॉट इट। अभी आपको मैं दिखाना लोग टाइगर श्रॉफ का घर और ऐश्वर्या का बंगला। वे ऐश्वर्या राय का बंगला है, वो रहती है कि नहीं रहती वो नहीं पता, पर नाम आप सर्च करोगे तो आ जाएगा। ये पूरा उसका बंगला है, और जो बाजू में बिल्डिंग है उसके टॉप फ्लोर पे टाइगर श्रॉफ अकेला रहता है हाल फिलहाल, और इसके कोई फ्लोर पे आमिर खान का ऑफिस है। इस चीज़ का ऑफिस है वो, इसकी मेरे को इंक्वायरी नहीं मिली अभी तक, पर ऑफिस है। ये देखो यहाँ पे इसके टॉप फ्लोर पे टाइगर श्रॉफ रहता है। अभी सचिन सर को जो ऑनर किया था वो बैट दिखाया, अभी उनका बंगला देखो। ये सचिन सर का बंगला है, अर्जुन तेंदुलकर भी इधर ही रहता होगा। पूरा बंगले का नाम बढ़ते अपन क्या है, अंदर फरारी है कि नहीं वो भी नहीं पता। पेरी क्रॉस रोड, पेरी क्रॉस रोड। तो बांद्रा वाले ब्लॉग में अपन सबसे पहले गए काडा रोड, अभी बैंड स्टैंड जो कि समुंदर के समुंदर के पास ही है, क्योंकि कभी कभी मेरी जबान फिसल जाती है, आप भी थोड़ा एडजस्ट करो, मैं सीख रहा हूँ। बैंड स्टैंड इतना पूरा बड़ा है, जो सब बच्चे नहा रहे समुंदर पे, जो कि लोकल ही रह गए। तो अपने आगे चलते अभी। तो ये है बांद्रा फोर्ट, इसको देखो मेंटेन तो बहुत अच्छे से किया है, पूरा झाड़ वाड़ सब एकदम अच्छे से उसको मेंटेन करके रखा है, इधर मतलब गार्डन जैसा बना दिया है। अभी ये बंद हो चुका था, पर हमारी स्पेशल परमिशन की वजह से हमें इधर आने का मौका मिला है। अभी मैं आपको एक बेहतरीन चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, बेहतरीन। ये बांद्रा फोर्ट
और ये वर्ली सीलिंग जहाँ पे हम मे बी जाएंगे, मे बी और मे बी नॉट। ओ माई गॉड, इधर नीचे तो बहुत कुछ हो रहा है, पर अपने वहाँ जाएगा, ऊपर नीचे नहीं जाएगा, अपन ऊपर जाएगा। पेंड्रा मेन सी की वजह से फेमस है, दूसरा सेलिब्रिटीज की वजह से। तो हम इधर माउंट मैरी के चर्च के अंदर गए थे, इधर भी चर्च है और रोड के ये साइड भी चर्च है। अभी अंदर गए थे, अंदर शूटिंग अलाउड नहीं थी, तो आने आने बोली कि अपने बाहर आके शूट कर लेंगे, है ना? Yeah, तो ये समझ नहीं आ रहा है जीजस पे पूरा माला चढ़ा रहे, पता नहीं क्यों पर चढ़ा रहे, चढ़ा नहीं तो कोई तकलीफ तो हो नहीं रही है। और ये बैंड्रा का लीलावती हॉस्पिटल है जिसमें सारे बड़े एक्ट्रेस और एक्टर यहीं पे एडमिट होते कभी बीमार हुए तो। और अमिताभ सर जी का इधर स्टॉक मतलब शेयर भी उन्होंने रखा है अपना, तो यहाँ पे आते तो उनको पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और बाई चांस इनकेस अगर तुम मर गए तो मेरा कब्रिस्तान इधर ही दफना देगा तुम्हें, हॉस्पिटल के जस्ट बाजू में ही रखा है, मरो तो इधर ही दफन हो जाओ। अभी हम लोग मुंबई के सबसे अमीर इलाकों में हैं, वर्ली में। ये वर्ली वर्ली इधर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है और अपने भाव सोच भी नहीं सकते, नहीं सोच सकते ना।
बिल्डिंग है इधर एक नहीं, अरे हाँ ऐसे छोटे भी हैं, पर ये तो अभी पूरा कैथलिक स्टाइल है ना। अब बैंड्रा को थोड़ा छोड़ के हम आए मोहम्मद अली रोड पे। अब यहाँ पे खाने पीने का होता है, पर हम उनका जल्दी आ गए तो पता नहीं उतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जितना मिलेगा उतना ले लेंगे। सब चिकन है, कबाब में भी चिकन है, वड़े में भी चिकन है, कबाब खत्म होता है। बहुत ही टेस्टी था, मतलब खा खा के बहुत मजा आ गया। अब हम जाएंगे चाय पीने आफ्टर दिस फालूदा। इसके बाद कैसा था? अच्छा था। अभी फालूदा या चाय? फालूदा और चाय भी। देखो हमारी चाय की मंजिल थोड़ी दूर है, यहाँ पे दुकानें बहुत है और ऐसे ही धक्का मुक्की में मेरा मोबाइल गिरेगा तो मैं मोबाइल फिलहाल रख देता हूँ, बहुत भीड़ है। अब मोहम्मद अली रोड पे इतनी भीड़ थी ना कि वो आधा तो भीड़ से ही थक गए, फिर घूमे थोड़ा। अब वो घूमे तो उसका शूट नहीं किया क्योंकि वहाँ पे का कोई भी फ़ोन स्नैच करके लेके चले जाता। फिर अभी क्या, फिर ख़त्म हो गया था, फिर ट्रैफिक में धक्का खा खा के आ गए। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग।